एक बार मास्टर ने राजू से कहा, चलो बच्चों अपने अपने कॉपी में 10 बनाओ। तो राजू ने कुछ भी नहीं बनाया। मास्टर जी ने कॉपी चेक की, बोला 10 बनाने को बोला था, कहाँ गई? तो राजू ने कहा, मास्टर जी आप लेट हो गए, ट्रेन तो छूट गई। तो मास्टर जी ने एक तड़ाक से थप्पड़ जड़ दिया, बोला पटरी और प्लेटफार्म कहाँ हैं, क्या ट्रेन वो भी साथ में ले गई? लड़के ने लड़की से कहा, चलती क्या 9 से 12? तो लड़की ने कहा चल। फिर लड़के ने कहा कहाँ? तो लड़के ने प्रिंसिपल के पास। तो लड़के ने बोला, अरे बहन क्या मजाक नहीं कर सकता? तो लड़के ने बोला, अरे नहीं छुट्टी मांगने के लिए। दोस्तों काम ऐसा करो कि लोग ऐसा बोलें कि तू रहने दे मैं खुद ही कर लूँगा। पत्नी के 20-25 पानी पूरी खाने के बाद पत्नी ने पति से पूछा कि क्या मैं 10 और खा सकती हूँ? तो पति ने बोला, नागिन खा ले। तो लड़की ने कहा, पत्नी ने कहा कि नागिन किसको बोलते हो? तो बोला, नहीं जानू मैं तो बोल रहा हूँ गिन ना खा ले। 3 लड़के तपस्या कर रहे थे, देवी जी ने दर्शन दिए, प्रसन्न हुई, बोले बेटा, पहले वाले से पूछा, बेटा मैं प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो? तो लड़के ने बोला, देवी माँ मैं बहुत काला हूँ मुझे गोरा कर दो। तो देवी माँ ने कहा, तथास्तु। दूसरे लड़के से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने बोला, मुझे पहले वाले से भी ज़्यादा गोरा कर दो। तो देवी माँ ने उनको भी इच्छा पूरी की, तथास्तु। अब तीसरे वाले की बारी आई, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? देवी माँ अगर आप मुझसे खुश हैं तो इन दोनों को तो फिर से काला ही कर दो। बैल ने गाय से कहा, क्या बोलती तू? तो गाय ने बोला, क्या मैं बोलूं? तो बैल ने कहा, सुन। गाय ने कहा, सुना। आते क्या गौशाला? तो गाय ने बोला, क्या करूं आके मैं गौशाला? तो बैल ने कहा, मुंडी हिलाएंगे घास चबाएंगे गोबर फैलाएंगे और क्या। ए क्या बोलती? एक पत्रकार ने पागलखाने के डॉक्टर का से पूछा कि आप कैसे पहचानते हैं कौन सा व्यक्ति पागल है कौन सा व्यक्ति नॉर्मल है? तो बोल डॉक्टर साहब बोले, बहुत इजी है, मैं एक बाथटब में पानी भर देता हूँ, फिर वहाँ पे बाल्टी रख देता हूँ, गिलास रख देता हूँ, चम्मच रख देता हूँ और बोलता हूँ बाथटब खाली करो। तो पत्रकार तपाक से बोला, ये तो इजी है, जो नॉर्मल वाला होगा वो बाल्टी से पानी खाली करेगा, थोड़ा कम नॉर्मल होगा वो गिलास से खाली करेगा और जो बिल्कुल पागल होगा वो चम्मच से खाली करेगा। तो डॉक्टर साहब ने बोला, भाई एक बेड खाली है लेट जाओ, जो नॉर्मल होगा वो बाथ टब के नीचे की टोटी खोलेगा ताकि पानी सरसर सरसर निकल जाए। दोस्तों ये थे आज के हमारे जोक्स, आपको पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब बेल दबाना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।